बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, कोलाज डिज़ाइनिंग एंड कोलाज वर्क, उसमें आप जो मीडियम यूज़ करेंगे, मैगजीन्स कटआउट, न्यूज़पेपर्स, कॉटन, टिशू, रिबन्स, पेंट, बीड्स, स्टार्स एंड ऑल जंक्स मटीरियल। या आप इस तरह से थोड़े से डिज़ाइन बनाकर और ये थोड़ा सा ग्लू लगाइए। आप ग्लू लगाने के बाद आप ये जंक्स मटेरियल कटिंग किया हुआ आपने इसमें पेस्ट करते जाना है। ये देखिएगा, आप इस तरह से पेस्ट करते जाइए जी, ये फिल करते जाइएगा। ये दूसरी साइड पे भी आपने ये डिज़ाइन को बनाया, ग्लू यूज़ किया और जो भी जंक्स मटेरियल आपके पास है, ये इस वक्त अवेलेबल है कॉटन, इसको आप कलर भी कर सकते हैं, ऊन को भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप ग्लू यूज़ करें और इसमें फिल करते जाएं जो भी कलर। और ये 3D कोलाज वर्क बन रहा है, आप इसमें पेपर कोलाज भी बना सकते हैं। अभी हम आपसे आपको दिखाएंगे कि पेपर कोलाज आप कैसे बनाएंगे। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को फिल करते जाएंगे और साथ बॉर्डर की शेप देते जाएंगे। किसी भी चीज़ से आप बॉर्डर बना सकते हैं इसका जी। इस तरह से आप ये उनके वो लगा रही हैं, आप चाहें तो कॉटन या कुछ भी लगा सकती। सन का टेक्सचर देने के लिए आप येलो कॉटन लगा दीजिए या येलो उनको कटिंग करके लगा सकती हैं। या ग्रास का टेक्सचर दे रहे हैं हम, ये देखिएगा, ग्रास का टेक्सचर देने के लिए आप ग्रीन कलर की ऊन को कटिंग कर सकते हैं या कॉटन को डाई कर सकते हैं। सिंपल वाइट कॉटन लगाकर आप उसके ऊपर पोस्टर कलर्स भी कर सकते हैं, वो सेम टेक्सचर्स आएगा इसका। देखिएगा, हमारा लैंडस्केप तैयार है। ये पेपर फ्लावर आप लगा दीजिए। अब मैं आपको पेपर कोलाज पे दिखाऊंगी जिस पे मैंने अभी वर्कआउट किया है। ये देखिएगा, पेपर कोलाज में मैंने इसको कलर टिश्यूज़ यूज़ किए हैं, कलर टिश्यू या कलर क्रे पेपर्स, आप कलर क्रे पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, पहले आपने डिज़ाइन बनाया पेंसिल से, फिर आपने ग्लू यूज़ किया और इसमें क्रे पेपर से आप फिलिंग करते जाइए। ये मैंने ऑरेंज कलर की फिलिंग की, इसके बाद बैक पे स्किन कलर का शेड दिया ये, और अब ये येलो शेड दीजिए। येलो के बाद थोड़ा रेड शेड आ रहा है जी, इससे फिल करते जाइए। अब ये मैंने ऑरेंज वाला फिल किया, ये ऑरेंज फिल करने के बाद यहाँ से मैंने ब्लैक टेक्सचर दिया। ब्लैक टेक्सचर देकर अब ये कोलाज में पेपर कटिंग, ये ट्रीज़ जो हैं वो मैंने हार्ड चार्ट से कटिंग किए हुए हैं, आप भी इसको कटिंग करें, किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं आप। कटिंग करने के बाद आप इसको ग्लू की से मदद से आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये देखिएगा, और मेरा एक पेपर कोलाज वर्क तैयार है। ये सेकेंड मल्टी कोलाज वर्क, ये देखिएगा, मैंने डिफरेंट कलर के कंप्यूटर पेपर्स को कटिंग करके इसके बॉर्डर में फिल किया है। ये इस तरह से आप फिल कर दीजिए ये बॉर्डर। और ये देखिएगा, मैंने इसमें डिफरेंट मीडिया को यूज़ किया है, ये स्टोन्स हैं, मैंने स्टोन्स को इनके इस पे यूज़ किया है, लिपस्टिक की जगह पे भी कलर यूज़ किया हुआ है, और ये डिफरेंट कलर के पेपर्स के साथ मैंने इसको लाइंस दे के इसका गेटअप तैयार किया है। अंदर मैंने कुछ स्टोन यूज़ किए हुए हैं, कुछ बीड्स यूज़ किए हुए हैं, आप भी इसी तरह से सेम बीड्स को और उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, अब मैं फॉर्मिक शीट के बॉर्डर, उससे मदद से आप इसका बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। ये देखिएगा, और इसके बाद आप मिक्स मीडिया में कोलाज वर्क तैयार कर सकते हैं। मैंने भी इस तरह से तैयार किया है ये कोलाज वर्क मिक्स मीडिया में। मिक्स मीडिया का क्या मतलब है कि जी, हमने इसमें बहुत सारे मीडियम यूज़ किए हैं, कंप्यूटर पेपर भी यूज़ किया है, बीड्स और ये स्टोन्स कुछ यूज़ किए हैं, थर्मोपोर शीट यूज़ की हुई है, ग्लिटर शीट यूज़ की है, और ये देखिएगा, ये कोलाज मॉडल मैंने तैयार की है आपके लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ
कोलेज मॉडल में हमने ये अपनी, ये देखिएगा मैंने इसको ड्रॉ कर लिया पिक्चर को। ड्रॉ करने के बाद मैंने इसमें गोटा भी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं आपको गोटा उसकी शर्ट पे नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर सेटिंग के साथ इस तरह से मिक्स मीडिया में काम किया है। और ये देखिएगा लास्ट में फिर मैंने गोटे को यूज़ किया हुआ है। और आप यहाँ पर कुछ रिबन्स, लेसेस और इस तरह से कुछ यूज़ कर सकते हैं। कोलेज वर्क में आप रिबन, लेसेस, जितना भी जक्स मटेरियल आपके घर में मौजूद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, ओरिजिनल और आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा मॉडल, ये मैंने अपना मिक्स मीडिया में कुछ तैयार किया है, कोलेज मीडिया, ये देखिएगा। और ये इस तरह से आप इसमें इसकी बॉडी शेप में कलर्स करके और उसके बाद आप इसके ड्रेस में कोलेज वर्क कर सकते हैं। आप यहाँ इसकी जगह पे बीड्स, पल्सेस, राइस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो।